जैसा कि आप जानते हैं कि 5 और 6 अप्रैल 2021 को रशियन फॉरेन मिनिस्टर सार्गे लेवरोव ने इंडिया विजिट की थी, और इस विजिट के बाद ये पता चला है कि नवंबर 2021 में रशिया इंडिया को S-400 मिसाइल की डिलीवरी करेगा। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि S-400 को दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में से एक माना जाता है, जो कि इतना पावरफुल है कि अमेरिका भी इससे डरता है। आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको इंडिया के नए S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में डिटेल में बताएंगे। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप में से बहुत से व्यूवर्स वीडियो को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, अगर आपको हमारा कंटेंट और प्रेजेंटेशन अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर। S-400 का पूरा नाम S-400 ट्रायम्फ है, और इसे रशिया के अल्मास सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो ने बनाया है। इंडिया ने 2018 में रशिया को $5.43 बिलियन यानी 40,000 करोड़ रुपए में 5 S-400 रेजिमेंट्स खरीदने का ऑर्डर दिया था। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि S-400 एक बहुत ही एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर 1 राडार, नंबर 2 मिसाइल्स, नंबर 3 लॉन्चर व्हीकल, और नंबर 4 कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। अब बात करते हैं कंपोनेंट नंबर 1 यानी S-400 के राडार्स की। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि S-400 सिस्टम में बहुत से राडार होते हैं, लेकिन इनमें से 2 राडार मेन हैं। पहला, किसी भी एनिमी मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए इसमें 91N6E बिग बर्ड एक्विजिशन एंड बैटल मैनेजमेंट राडार लगा होता है, जो कि 600 किलोमीटर तक की रेडियस में किसी भी एनिमी एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है। ये राडार इतना पावरफुल है कि एक साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। 91N6E बिग बर्ड राडार की 600 किलोमीटर रेंज का मतलब ये है कि इंडिया के अमृतसर में लगा S-400 मिसाइल सिस्टम का ये राडार पूरे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल के ऊपर फ्लाई कर रहे किसी भी एयरक्राफ्ट को देख सकता है। S-400 का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट राडार 9296E राडार है, जो कि एक फायर कंट्रोल एंड टारगेट ट्रैकिंग राडार है। इसके अलावा किसी भी S-400 बैटरी को कंप्लीट ऑटोमेटेड रोल डिप्लॉय करने के लिए इसमें 96L6 चीज बोर्ड 3D सर्विलांस एंड ट्रैकिंग राडार का भी यूज किया जाता है। अब आते हैं S-400 के दूसरे कॉम्पोनेंट यानी एयर डिफेंस मिसाइल पर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि S-400 एक नहीं बल्कि 5 डिफरेंट मिसाइल्स होती हैं, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक होती है। अब मैं आपको इन सभी मिसाइल्स के बारे में एक एक करके बताऊंगा। S-400 की सबसे शॉर्ट रेंज की मिसाइल 40 किलोमीटर रेंज वाली 9M96E मिसाइल है, जिसे पाकिस्तानी बाबर मिसाइल जैसी लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने में यूज किया जाता है। इसके बाद आती है 120 किलोमीटर रेंज वाली 9M96E2 मिसाइल, जो कि हाई स्पीड इंटरसेप्टर मिसाइल है और किसी भी फाइटर जेट या UAV के अलावा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कि पाकिस्तानी गजनवी और शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके बाद आती है 200 किलोमीटर रेंज वाली 48N6E2 मिसाइल और 250 किलोमीटर रेंज वाली 48N6E3 मिसाइल, जो कि लॉन्गेस्ट रेंज पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल इन्हीं 3000 किलोमीटर वाली शाहीन 3 मिसाइल को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। फाइनली मैं आपको बताना चाहूंगा S-400 की सबसे लॉन्ग रेंज और सबसे खतरनाक मिसाइल के बारे में। इस मिसाइल का नाम 40N6E है और ये 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। 400 किलोमीटर रेंज में आने वाली 40N6E अभी वर्ल्ड की सबसे कैपेबल एयर डिफेंस मिसाइल है, और ये एनिमी एयरक्राफ्ट के हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे कि एवॉक सिस्टम और एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 250 किलोमीटर रेंज वाली 48N6E3 और 400 किलोमीटर रेंज वाली 40N6E मिसाइल की स्पीड Mach 14 यानी 17,200 किलोमीटर पर आर होती है, जिससे ये किसी भी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकती है। S-400 सिस्टम के 400 किलोमीटर रेंज का एक बेनिफिट ये भी है कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर लगी एक S-400 की बैटरी पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी भी फाइटर को पाकिस्तान में रहते हुए भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। यही नहीं, सिक्किम में लगी एक S-400 बैटरी पूरे नॉर्थ ईस्ट को चाइनीज एयरफोर्स के अटैक से बचाने के अलावा तिब्बत की कैपिटल ल्हासा के ऊपर फ्लाई कर रहे J-10 या J-11 जैसे किसी भी चाइनीज फाइटर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब आते हैं S-400 के तीसरे पार्ट यानी मिसाइल लॉन्चर व्हीकल पर। S-400 सिस्टम की मिसाइल को SP-85TE2 लॉन्चर पर लगाया जाता है, जिसमें S-400 की सभी मिसाइल्स को मिक्स करके लगाया जा सकता है, जिससे एनिमी को कभी ये पता ना चले कि कौन सी मिसाइल कहां लगी है। S-400 की इस लॉन्चर को रशिया में बने BAZ-640-22 हाई मोबिलिटी 6x6 ट्रक पर लगाया जाता है, जो कि किसी भी इलाके में जा सकता है। और हमारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग इंडिया में आने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में रशियन ट्रक्स ही यूज होंगे, बिकॉज इंडिया में बने ट्रक्स के पहले बहुत ट्रायल्स होंगे जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी होंगे, और हमें अभी इस एयर डिफेंस सिस्टम की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हो सकता है
बाद में हम इसी पर इंडियन HMV यानी हाई मोबिलिटी व्हीकल का यूज करें, बट पॉसिबिलिटीज अभी तो बहुत कम है। फाइनली S400 का फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका 55K6E कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि यूराल 532301 मोबाइल कमांड पोस्ट व्हीकल पर लगा होता है। इस कमांड पोस्ट पर बड़े LCD स्क्रीन्स होती हैं और इसमें लगे पावरफुल कंप्यूटर्स 600 किलोमीटर तक के सभी टारगेट्स के इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। S400 का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में भी काम कर सकता है। इसमें ट्रैकिंग से लेकर इंटरसेप्शन तक में किसी भी ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होती है। यही नहीं, S400 का ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इंडियन एयरफोर्स के एवॉक सिस्टम, ग्राउंड बेस राडार और बाकी एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि MRSAM और आकाश से भी टारगेट्स इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज कर सकता है। अपने इन सभी एडवांस सिस्टम के चलते S400 को एयरफोर्स किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिस्टम 600 किलोमीटर तक के एयर स्पेस को मॉनिटर कर सकता है और 300 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। इसका फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम 400 किलोमीटर रेंज में आने वाले किसी भी एनिमी फाइटर्स, UAV, बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। S400 सिस्टम एक साथ 36 टारगेट्स को इंगेज करने के लिए 72 अलग अलग तरह की मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है, यानी एक S400 सिस्टम अकेले ही किसी भी एनिमी एयरफोर्स के अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। S400 इंडियन एयरफोर्स का ऐसा पहला एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि चाइनीज एयरफोर्स के J-20 स्टील फाइटर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अभी बीच में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के एनालिसिस के बाद मीडिया में ये काफी चर्चा का विषय था कि इस सिस्टम में चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज हुआ है, तो ऐसे में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। बट रशियन गवर्नमेंट ने इंडिया को भरोसा दिलाया है कि इस विषय पर आप निश्चिंत रहिए, और अभी इंडियन एयरफोर्स की टीम मॉस्को में ट्रेनिंग के लिए गई है, जिसमें इस इशू पर रशिया ने कितना काम किया है उसको इंडियन एयरफोर्स और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन के साथ बताया गया है। इंडिया को अपना पहला S400 एयर डिफेंस सिस्टम नवंबर 2021 में मिलेगा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि 2025 तक इंडिया को सभी 5 S400 रेजिमेंट्स मिल जाएंगे। आखिर में टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इंडियन एयरफोर्स का S400 सिस्टम एक बहुत ही पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल बल्कि चाइनीज स्टील फाइटर को भी डिस्ट्रॉय कर सकेगा। अभी इंडिया को अपने एयर डिफेंस के लिए S400 एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस सिस्टम के आने के बाद इंडियन एयरफोर्स अपने ज़्यादा से ज़्यादा फाइटर्स को ऑफेंसिव ऑपरेशंस में यूज़ कर सकेगी। और स्टार्टिंग में हमने सब्सक्राइब करने वाली रिक्वेस्ट की थी, उस पर विचार जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोज लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।